हेलो मम्मी, अस्सलाम वालेकुम। क्या बना रही हैं आप आज? कुछ स्पेशल बन रहा है। कोई स्पेशल नहीं, आलू चाप बना। आलू उबला रखा था तो हमने करना थोड़ा सा आलू चाप। तो इसमें क्या क्या मिलाया आपने अभी? बस खाली और नमक मिर्चा और ये क्या बोलते हैं, हरा धनिया बस। ओके, ऊपर से पड़ेगा ना सब चटा। और आलू है और नमक मिर्चा और बाकी मसाले, जीरा, जरा सा कॉर्नफ्लोर। ओके तो दोस्तों, वेलकम टू माई अनदर व्लॉग इन फरहीन की दुनिया। आज है रमज़ान का 12वां दिन और यहाँ पे जो है अम्मी स्पेशली आ गई थी बिकॉज उनका दिल नहीं लग रहा था अपने कमरे में। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, मैं कह कह के थक जाती हूँ, फिर फाइनली मुझे लगता है कि वो आ ही जाएँ बिकॉज उनका दिल नहीं लगता है। तो चलो ठीक है, आ जाती हैं, थोड़ा उनका भी मन बहल जाता है। तो यहाँ पे जो है टिक्की बन रही थी, आलू की टिक्की, जैसे कि आप लोग ने देखा। आलू में कॉर्नफ्लावर, नमक मिर्चा, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा मिला के चार टिक्की बना ली थी। इसके बाद चार ही लोग हैं तो चार ही टिक्की बनेगी, राइट? एंड बिकॉज इतना सारा सब कुछ थोड़ा थोड़ा हो जाता है कि इंसान खा नहीं पाता इतना, सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा थोड़ा ही बनाएं, हर चीज़ बनाएं लेकिन थोड़ा थोड़ा बनाएं। और आज जो है काली वाली दाल जो है अम्मी ने फरीदा से चढ़वा दी थी बिकॉज अम्मी का बहुत दिल चाह रहा था। और जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है ना, हम लोग की इफ्तारी में पेट भर जाता है, उसके बाद फिर ज़्यादा कुछ खा नहीं पाते, फिर सहरी हो जाती है, तो दाल वगैरह नहीं बन रही थी। तो अम्मी का बहुत दिन से दिल चाह रहा था कि नहीं, दाल खानी है। तो दोस्तों, फॉर अ चेंज आज बन रहा है कस्टर्ड, तो उसके लिए मैं केला और सेब काटूंगी। चना बन चुका है, चने की दाल भी है। तो अभी बज रहे हैं पता नहीं कितने, आई डोंट नो, लाइक अभी बज रहे हैं 5:30। अभी बहुत टाइम है। तो दोस्तों, कस्टर्ड के शुरू का वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई एंड उस टाइम मैं भूल गई वीडियो बनाना। तो यहाँ पे कस्टर्ड बन चुका है, उसको हमने फ्रिज में रख दिया था तो वो ठंडा भी हो चुका है। और इसके बाद जो मैंने फ्रूट्स काटे थे वो अम्मी ने ऐड किए हैं और इसके बाद हम वापस से इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। ये बहुत ही अचानक वाला प्लान था कस्टर्ड का, तो इसीलिए हम लोग चाह रहे थे कि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है अपनी एक ट्रिक आजमाई, मैंने इसको सीधा जो है फ्रीज़र में डाल दिया। और यहाँ पे जो है चपली कबाब का मिक्सचर रेडी है। अब इसमें हमें भुना हुआ बेसन और तली हुई प्याज मिलानी है। तो यहाँ पे बेसन को भून के अम्मी ने इसमें ऐड कर दिया है और इसके बाद इसमें जाएगी तली हुई प्याज, फ्राइड अनियंस, ला ला ला। तो कभी कभी मेरे अंदर जो है अंग्रेजी वॉइस ओवर आर्टिस्ट की आत्मा आ जाती है, तभी वो बिल्कुल एक्सेंट बदल के एकदम अंग्रेजी एक्सेंट हो जाता है। टली हुई प्याज हम ऐड करेंगे इसमें। तो यहाँ पे ये वाला कबाब मुझे बहुत पसंद है। आई एम श्योर आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। एंड इसको आप बर्गर में भी यूज़ कर सकते हैं, खाली खाली भी खा सकते हैं, चाहे तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं जो हूँ ज़्यादा गिल्ट ना हो इसलिए डीप फ्राई कभी नहीं करती इसको, मैं हमेशा शैलो फ्राई करती हूँ एंड इट टर्न्स आउट टू बी सो गुड। सो यू हैव इट विद योर सॉस और विद योर हरी चटनी, जिसके साथ भी आपको खाना हो, एंड एन्जॉय। कि यूजली जब आप बनाते हैं तो वो कभी कभी टूट जाती है पलटने में, लेकिन आज जो कॉर्नफ्लावर अम्मी ने ज़रा सा कॉर्नफ्लावर मिलाया था, बहुत ही ज़रा सा अमाउंट, एंड उससे इतनी अच्छी बाइंडिंग हुई और आलू की जो टिक्कियाँ थी वो टूटी नहीं एंड इतनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी कि मतलब इसके साथ यू डोंट इवन नीड एनी सॉस, मतलब इतनी ज़्यादा क्रिस्पी और इतनी टेस्टी। प्लस इसमें बहुत ही कम ऑयल में मैंने बनाया था तो इट वॉज सो टेस्टी, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त बनी। और यहाँ पे जो है हमारी पकौड़ी छन रही है, कीमे की पकौड़ी। तो कीमे की पकौड़ी उस दिन भी बनी थी, आज भी बन रही है। तो ये है रमज़ान का 12वां दिन और यहाँ मैं बना रही हूँ बर्गर, चिकन बर्गर। चिकन बर्गर मैंने बनाए थे चपली कबाब के मिक्सचर से और उसको तलते टाइम मैं वीडियो नहीं ले पाई बिकॉज मैं भी काफ़ी टाइम भूल जाती हूँ वीडियो बनाना। और यहाँ पे जो है मैं टेबल लगा रही थी और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि इसकी वीडियो ज़रूर से बना लूँ। कस्टर्ड रेडी हो चुका था तो उसको फ्रीज़र से निकाल के मैंने निकाल दिया था और बर्गर रेडी हो चुके थे तो वो भी मैंने डाल दिया था। मगरिब की अज़ान के बाद इफ्तारी हुई और उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा आराम किया और उसके बाद फिर मैंने तरावी की नमाज़ पढ़ी। तरावी पढ़ के मुझे बाहर निकलना था बिकॉज मुझे वीवा सुपरमार्केट जाना था जो कि हमारे घर के बहुत ही करीब में है। वीवा में बहुत ही फ्रेश सामान मिलता है, चिकन वगैरह फ्रेश,
कटा हुआ मिल जाता है, वहाँ के मिल्क प्रोडक्ट्स मुझे बहुत पसंद है, चीज़ के जो अलग अलग ब्रांड्स में आते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, एग में भी बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, तो काफ़ी सारी रेंज है। इट इज़ नॉट एज बिग एज लुलू हाइपर मार्केट, बिकॉज लुलू तो बहुत बड़ा है, ये मतलब ठीक ठीक है, ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है, लेकिन जितना काम की चीज़ होती है वो मिल जाती है। अच्छा, मुझे इनके यहाँ के ये चिप्स जो है ना, बालाजी वाले, ये मुझे बहुत पसंद है, मतलब मैं हमेशा जो है बिना भूले ये वाला चिप्स ज़रूर लेती हूँ, चाट मसाला वाला, बिकॉज दिस इज़ सो टेस्टी एंड आई ऑलवेज टेक इट। आई नो इट इज़ नॉट गुड, बट आई हैव कम हेयर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई गेस मुझे जितना याद है मैं यहाँ पे 2 महीने बाद आई हूँ, तो मैंने 2 महीने बाद ये वाले चिप्स लिए हैं, तो आई ऑल्सो नो कि चिप्स खाने से अच्छी बात नहीं है, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन यह कि इट्स ओके, कभी कभार खा सकते हैं। और यहाँ पे फ्रोज़न आइटम्स थे, बहुत सारी वैरायटी होती है, मुझे यही चीज़ अच्छी लगती है, वीवा में फ्रोज़न आइटम्स की इतनी सारी वैरायटी होती है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो मैंने जो शॉपिंग में क्या क्या किया, मैंने चिकन के ब्रेस्ट पीसेस उठाए, 3-4 पैकेट उठा लिए, बिकॉज ऑब्वियसली कबाब में यूज़ होता है, कोफ्ते बनाने में यूज़ होता है, फिर मैंने होल चिकन उठा लिया था, बिकॉज वो भी कभी कभी दिल चाहता है, जैसे बिरयानी बन गई या सालन बन गया, देन मैंने पनीर का पैकेट उठाया, ये भी बहुत अच्छा ऑफर था तो ये भी उठा लिया। ऑफ़र्स लगे हुए हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इतना ज़्यादा उठा लें कि आपके पास फ्रीज़र में जगह ना हो, तो मैंने उतना ही पिक किया जितना मुझे लगा कि फ्रीज़र में अट जाएगा और नेक्स्ट 10-12 डेज़ के लिए सफिशिएंट होगा, बिकॉज ऑफ़र्स लगते रहते हैं, राइट। ये सारे चीज़ें जो भी आप लेकर आते हैं फ्रोज़न प्रोडक्ट्स, इट शुड बी कंज्यूम विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड, एंड मेक श्योर कि जब आप दूसरा सामान, मतलब जब नया सामान लेकर जाएं, तो फ्रीज़र में जो सामान ऑलरेडी है उसको आगे कर दें और इसको पीछे, सो दैट यू नो द वंस दैट यू ब्रॉट प्रीवियसली वो पहले कंज्यूम हो, ना कि ये पहले कंज्यूम हो जाए। और यहाँ पे मुझे एक स्पाइसी नूडल्स नज़र आया एंड आई वाज लाइक कि इसको बस ख़रीद लेते हैं, बट जब मैंने चेक किया कि मेड इन चाइना, तो मुझे लगा यार कि इसके सॉस में कहीं सांप बिच्छू को पीस के मिला के न दे दिया हो मुझे शक हो गया, और एक बार मुझे शक हो जाता है ना किसी चीज़ को लेके, मतलब मेरे दिमाग में आ जाए ये बात कि यार इसके सॉस पे जो है पता नहीं किसी कीड़े मकौड़े की लाश वाश मिला के दे ना दिया हो, तो फिर मैंने कहा नहीं मैं नहीं खा सकती, आई नो दिस इज़ यूएई एंड ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, बट द थिंग इज दैट कि मैं अपने शक का क्या करूँ इसलिए मैंने उसको वापस रख दिया, फिर मैंने फिर नहीं लिया, फिर आई डिडंट टेक दिस वन बिकॉज इट वॉज मेड इन चाइना, आई वॉज लाइक पता नहीं क्या है, छोड़ो सारे सामान जो इम्पॉर्टेंट थे वो मैंने ले लिया था, जैसे कि आलू, पोटैटो ले लिया था, एंड अनियन ले लिया था, प्याज, और इसके अलावा फिर मैं कुछ देख रही थी कि कुछ अगर मुझे समझ आ रहा था तो मैंने उठा रही थी। एक मेड इन मलेशिया का एक नूडल्स मुझे नज़र आया, बहुत ही चटपटा स्पाइसी लग रहा था, तो मैंने उठाया है, अभी मुझे नहीं पता कि वो कैसा बन के निकलेगा, जिस दिन भी मैं बनाऊंगी तो उस दिन मैं अपने व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी और आप सभी को बताऊंगी कि किस तरह का टेस्ट था। तो दोस्तों, आज का व्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको आज का फास्ट फॉरवर्ड व्लॉग पसंद आया होगा, बिकॉज़ आज मैं कुछ भी रेसिपी नहीं बता पाई बिकॉज़ आई वाज सुपर बिजी, मैं उसी टाइम सुपरमार्केट गई नीचे, उसके बाद फिर ऊपर आई, तो जो कुछ भी मैं रिकॉर्ड कर पाई मैंने आप सभी के साथ शेयर किया, फिर अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग भी शेयर करी बिकॉज़ कुछ कुछ सामान चाहिए था अम्मी को। तो फ़िलहाल तो अभी मैं चाय पीने जा रही हूँ, रात के 1 बज चुके हैं और मैंने चाय बनाई है बिकॉज़ मैं इसी टाइम जो है चाय पी के फिर उसके बाद मैं सहरी में ज़्यादा कुछ नहीं खाती हूँ, दैट इज़ हाउ माय स्केड्यूल इज़, सहरी में बहुत से बहुत मैं मतलब आधा कप दूध पी लिया या कुछ, बिकॉज़ इस टाइम मुझे भूख लगती है तो मैंने खा लिया, और उसके बाद अब मैं जाऊँगी अपनी इबादत करने। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, खुदा हाफिज़, बाय।